कोई गलती नहीं की, यही तरह गलती की आप। आसिफ अली बदतमीजी कर रहे हैं यार उससे पहले। अमीन आप क्रिकेट खेलो, जोश दिखाओ, जरूर करो, सारा कुछ करो, बदतमीजी नहीं करो यार। बाबर आजम ने अगेन गलती की, बाबर आजम को क्या हो गया मुझे नहीं समझ में आ रही। नहीं क्या तुम बदतमीजी कर रहे हो छक्का मार के इन लड़कों से यार, आउट होके टूर्नामेंट हो तो जनाब आराम सुकून से, तो इन्होंने जीतना नहीं है, ये बदतमीजी बर्दाश्त नहीं होगी। हाँ पांव उठाने की इजाजत नहीं है भाई आपको, क्योंकि आसिफ अली जब आउट होके गया छक्का छक्का मार के और उसके गाली माली दी होगी और क्या। बहरहाल मुझे बहुत गुस्सा है इस चीज का, हम लाड करते हैं, प्यार करते हैं, पनाह देते हैं, रेफ्यूज एज अ रख के आपको लाड भी करते हैं, उनका मान सम्मान करते हैं, उसके बाद ये बदतमीजी। समझ आएगी कि किसको खिलाना है किसको नहीं खिलाना। कहां है बाबर, कहां है बाबर इस एशिया कप में। आसिफ अली तो वो गाली दे मारे बैठ उसके सर में, ऐसी की तैसी बढ़ गई क्रिकेट, ये कौन सा तरीका कार है, ये हमेशा बदतमीजी कर। तुम जाके बदतमीजियां कर रहे हो यार छोटे नेशन से यार। ये बाबर आजम ये सारे आज फ्लॉप, ये फितरे की जीत है जो फुलटों से पड़ गए। बाबर आजम बिल्कुल नजर नहीं आ रहा इस पूरे टूर्नामेंट में। आज ये क्रिकेट खेल रहे हैं आप। आसिफ की हाय ना लगे किसी को, आसिफ की हाय लगे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तानी स्पेशल HD के नए वीडियो में। दोस्तों अगर आप लोगों ने आज का मैच देखा होगा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, तो आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से आसिफ अली जो हैं वो फरीद के ऊपर में अपना बल्ला तान देते हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो इंट्रो में मैंने लगाया है, उसको देख तो आप समझ ही गए होंगे। पाकिस्तान के प्लेयरों में सबसे गंदी आदत यही है कि थोड़ा सा ही कुछ हो जाए उनके साथ तो वो तुरंत गुस्सा होकर अपना असली रूप दिखाने लगते हैं। इंट्रो में आप लोगों ने देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी जो मीडिया है इस समय पाकिस्तान के जो प्लेयर आसिफ अली हैं उनकी बैंड बजाने में लगी हुई है, क्योंकि यह केवल आसिफ अली की बेइज्जती नहीं है, इससे पाकिस्तानी जो क्रिकेट बोर्ड है उसकी भी बेइज्जती कहीं ना कहीं नजर आ रही है, क्योंकि इससे साबित होता है कि जो पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड है वो अपने प्लेयरों को अच्छी शिक्षाएँ नहीं देती है। क्रिकेट के अंदर में विकेट तो लेना जरूरी ही होता है हर एक प्लेयर के लिए, चाहे वो आसिफ अली की विकेट हो या फिर फरीद की विकेट हो। अगर रूल्स के हिसाब से देखा जाए तो अगर कोई भी प्लेयर किसी प्लेयर के ऊपर में हाथ उठाता है या फिर अपना बल्ला उठाता है तो उसको ऊपर बैन लग जाता है, यानी कि उसको टीम से बैन कर दिया जाता है। ऐसा ही काम आसिफ अली के साथ भी होने वाला है, क्योंकि आकाश चोपड़ा ने भी इस बात को बोला कि अब आसिफ अली के करियर में दाग लग चुका है। दोस्तों देखते हैं कि इनको फाइनल में खिलाया जाता है कि नहीं, वैसे तो 90% चांस है कि इनको फाइनल से बाहर निकाल दिया जाएगा। आपका इस पर क्या राय है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आसिफ अली को इसमें निकालना जरूरी है कि नहीं है, और आपको इस मैच के अंदर में आसिफ अली की गलती लगी या फिर फरीद की, वो आप कमेंट सेक्शन में बताना नहीं भूलिएगा। दोस्तों आप लोग वीडियो देखिए, मैं मिलता हूं आपसे वीडियो के लास्ट में। बाहर भी जानी चाहिए ऐसी सोच, चक्का खाने के बाद में जगत कोई गलती नहीं की, यही तरह गलती की यहाँ पर फखर जमान ने, आसिफ अली माफ कीजिए। 45 बहुत खतरनाक हो जाएगा, हार गया पाकिस्तान तकरीबन 129 पर। अब बोलोगे बेस्ट करते हैं, अबे ये फितरे की जीत है जो फुलटों से पड़ गई, ये कुदरत ने उनसे फौरन चमाटा मारा है। पूछो मोहम्मद यूसुफ से कि इतनी लो रैंक की टीम के खिलाफ तुम्हारी इतनी बदतरीन परफॉर्मेंस, जहां पर नसीब को 2 छक्के मार के तुम्हारी बची कुची इज्जत बचानी पड़ गई। कभी धानी बचा रहा है, कभी नसीम बचा रहा है, बाबर जो है वो आउट ऑफ फॉर्म भी हो तो वर्ल्ड क्लास है, कोहली रन नहीं कर रहा, ये परेशानी हर पाकिस्तानी खिलाड़ी को रहती है। ये भी तो 4 मैच से घंटा कर रहा है। नहीं यार ये मैं उस पहले वाले शो में भी मेरा ये था कि जीत मैटर नहीं करती, इंटेंट करती है भाई, आपके पीछे इंडिया से जीत लगी हुई है। आप इस कदर डरे हुए थे यार कि आपका बल्ला उठाने को तैयार नहीं था, वो मुंह को आ गया अफगानिस्तान आपके, आखिर में वो मारा मारी पे उतर आए थे यार। आसिफ ने भी कुछ किया था, आप लोग जो लिख रहे हैं सही है। बात करूं बाबर आजम ने अगेन गलती की, बाबर आजम को क्या हो गया मुझे नहीं समझ में आ रही। बाबर आजम जैसा बड़ा नाम लगातार 4 मैचेस में ऐसे आउट हो रहे हैं और आज तो खीड़ी होगी, 0 के ऊपर आउट होके जा रहे हैं। उसके बाद बात करें रिजवान की, रिफकर जमान की, जिस किस्म का वो रन आउट होके गए, एक डाई ही उनसे मारी जा रही कि रिजवान भी डाइयां मारते हैं। पाकिस्तान ने मैच इतना फंसा दिया वो भी अफगानिस्तान के खिलाफ। नहीं क्या तुम बदतमीजी कर रहे हो छक्का मार के इन लड़कों से यार, आउट होके। तुम्हारा तो एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, तुम एक क्वालिफाइड टीम के मेंबर हो आसिफ अली, तुम जाके बदतमीजियां कर रहे हो यार,
छोटे नेशन से यार। नहीं अगर तो आसिफ अली ने करी है तो कभी भी बॉडी टू बॉडी कांटेक्ट नहीं करते, ठीक है बॉडी शो होती है, बॉडी लैंग्वेज से आप अपने एग्रेशन का इजहार करते हैं, मगर कभी भी आप फिजिकल कांटेक्ट की तरफ नहीं आते। जो मुझे नजर आया वो फिजिकल कांटेक्ट था, और फिजिकल कांटेक्ट किसी भी स्पोर्ट में सिवाय सुपर फुटबॉल के और कहीं नजर नहीं आता। टूर्नामेंट हो तो जनाब आराम सुकून से तो इन्होंने जीतना नहीं है, और आज भी बिल्कुल हारते हारते बस आखिरी हर्डल जो है वो अफगानिस्तान से क्रॉस नहीं हुआ, आखिरी विकेट रह गई, बस आखिरी विकेट। एब्सोल्युटली बाबर आजम बिल्कुल नजर नहीं आ रहा इस पूरे टूर्नामेंट में, कहीं नजर नहीं आ रहा, उसके बाद एक से बढ़ के एक, एक से बढ़ के एक। तो आज जो है ऑलराउंडर्स ने पाकिस्तान के लिए यह मैच बनाया है, और शादाब की अगर बात करें बीच में उसके बड़े वाइटल रन्स थे, बाकी कुछ खास नहीं आया। एंड पे जाके सारा मैच आपका इफ्तिखार ने लगवा दिया था, जितनी बॉलें वो खेल गया, जितने रन्स कंज्यूम कर गया। आप लोगों को ये पता नहीं कब समझ आएगी कि किसको खिलाना है किसको नहीं खिलाना। आज आपके उतार दिए थे कपड़े इन्होंने अफगानियों ने, जो हमने जो क्रिकेट आप खेल रहे हैं ये कौन से जमाने की क्रिकेट खेल रहे हैं आप? नसीम शाह के पांव धोएं, नसीम शाह के हाथ धोएं, उसका मुंह धोएं, उसके माथे पे चुम्मी करें कि पूरी पाकिस्तानी कौन की आज उसने इज्जत रख ली, नहीं तो कपड़े डाल दिए थे आपके सारे प्लेयरों के इन्होंने। ये क्रिकेट खेल रहे हैं आप? ग्यारहवें बंदे तक, मतलब उस तक आया कैसे? तुम्हारे तो सारे चतुर बैठे हैं टीम के अंदर यार। नहीं क्या आसिफ है, उसके बाद खुशदिल है, फिर उसके बाद इफ्ती चाचू है, चाचू फिर शादाब है, फिर नवाज है, फिर खुद बाबर है, फिर फखर है। कहाँ है बाबर, कहाँ है बाबर इस एशिया कप में? 129 के टोटल में तुमने सांसें खींच ली लोगों की, यहाँ पर तमाशे लगाए हुए, ये कौन से थ्रिलर है तुम्हारे यार? क्या इतना जीत कर भी तुम थ्रिलर की तरफ आते हो यार, और वो भी इस टीम के खिलाफ। विराट कोहली ने कह दिया कि हारिस ने अच्छी बॉलिंग करी थी तो आसमान से कल्ला में मिला दी। अबे ये फारूकी और फरीद नहीं खेले जा रहे तुमसे, मैं ये कह रहा हूँ कि तुम घंटे की बल्लेबाजी की जा रही है। सेलिब्रेट कर लो इंडिया की हार भाई, इंडिया की हार से तुम लोगों का क्या काम, तुम तो अपनी जीत को देखो। आसिफ अली बदतमीजी कर रहे हैं यार, उससे पहले आसिफ अली ने शदीद बदतमीजी की तो वो तो कुछ करेगा ना। में जाए कुछ भी किया हो मगर जो नजर आए वो बता रहा हूँ, हाथ पांव उठाने की इजाजत नहीं है भाई आपको। आप मुंह से जो कर सकते थे आप कर लेते यार, ऐसा होता है फील्ड के अंदर। ठीक है क्रिकेट की इंटरेस्ट में भी है, गेम भी अच्छा हो जाता है, चलो ठीक है, मगर ये थोड़ी होता है कोई यार कि आप हाथ पांव उठाने की कोशिश करो। और ये हाय जो है ना आसिफ की हाय ना लगे किसी को, आसिफ की हाय लगे यार। आसिफ ने बदतमीजी की, हमने मिस किया, आसिफ ने बदतमीजी की है, दुनिया लिख रही है कि आसिफ ने मारा है पहले यार। आसिफ ने तो मैं ये कह रहा हूँ कुछ भी है हाँ मारा मुरी छोड़। दोस्तों वीडियो में आप लोगों ने देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया अपने जो क्रिकेटर्स हैं उनकी बुराई कर रही है, और कह रही है कि आप लोग किस तरह की बैटिंग कर रहे हैं, आप 10-10 विकेट गंवा दे रहे हैं, वो भी एक ऐसे टीम के सामने जो कि पाकिस्तान के आगे कुछ भी नहीं है। दोस्तों पाकिस्तान की टीम के अंदर में इस समय बहुत ही ज़्यादा गर्मा गर्मी चल रही है। इस तरफ तो आसिफ अली जो है वो इस तरह की हरकतें कर दे रहा है कि पाकिस्तान की टीम की पूरी दुनिया में बेइज्जती हो रही है। आसिफ अली ने फरीद के ऊपर में अपना बल्ला उठा के बहुत ही बड़ी गलती कर दी। अब उसका नतीजा ये होगा कि आसिफ अली को फाइनल से बाहर निकाल दिया जाएगा, क्योंकि रूल के हिसाब से अगर कोई भी प्लेयर अगर दूसरे प्लेयर के ऊपर हाथापाई करता है या फिर बल्ला उठा देता है तो उस पे यह बन जाता है कि उसको अब T20 से बाहर निकाल दिया जाएगा या फिर वर्ल्ड कप से बाहर निकाल दिया जाएगा। अगर जिस गेम में वो इस तरह की हरकतें करता है उस गेम से उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। अब आसिफ अली के साथ भी यही होगा, आसिफ अली को फाइनल से बाहर निकाल दिया जाएगा, अब वो T20 से बाहर हो जाएगा पूरी तरीके से, जिससे आसिफ अली की वजह से अब पूरे पाकिस्तान टीम को एक बहुत ही बड़ा धचका लगेगा। दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया ये भी कह रही है कि बाबर आजम भले ही किसी मैच में न चले लेकिन वो अपने को पूरे वर्ल्ड में नंबर वन पे दिखाने की चाह रखते हैं, और जो पाकिस्तानी क्रिकेटर है वो केवल ये देखते हैं कि भारत की तरफ से विराट कोहली तो चल नहीं रहा है, उनको अपने बाबर आजम की थोड़ी सी भी याद नहीं आती कि हमारे तरफ से बाबर आजम भी चार मैचों से कुछ भी नहीं कर पा रहा है और अब की बार तो हद ही पार कर दी, वो जीरो पे आउट हो गया। खैर इस टॉपिक से हटते हैं और बात करते हैं आसिफ अली के बारे में। आसिफ अली ने जिस तरह से फरीद के ऊपर में बल्ला ताना है उसके बाद से पूरी पाकिस्तानी मीडिया उनकी खूब ही मजे ली है और उनकी जमकर धुलाई की है।
आपकी क्या राय इस घटना के ऊपर में, कि इसमें आसिफ अली की गलती है या फिर फरीद की, आप इसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आसिफ अली की गलती है तो इसमें आसिफ अली को T20 से बाहर निकालना चाहिए या नहीं, आपकी इस पे क्या राय है ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय।